जब आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका था पूरा, उसके बाद कौन किस किस सॉफ्टवेयर में वो गया था वो चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आपका आपके पूरी डिटेल आ चुकी है इसके अंदर। तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर गया था, उसके बाद आपके फ़ोन में गया था, उसके बाद मैसेज चेक किया, उसके बाद उसने सेटिंग चेक की, उसके बाद कैमरा चेक किया। ये सारी यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, उसकी डेट भी आ चुका है, टाइम भी आ चुकी है, सेकेंड तक आपके यहाँ शो हो रहे हैं। सो हेलो गाइज, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोटेक्ट्स के अंदर। और आज जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हु टच माई फ़ोन। जैसे कि आपको नाम से ही आइडिया लग पा रहा होगा कि हु टच माई फ़ोन, किसने मेरे फ़ोन को टच किया है। बेसिकली ये एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। इस वीडियो को मैंने बनाने का मोटिव मेरा यही था कि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब उस बंदे की बैंड बजने वाली है, जो भी बंदा आपके फ़ोन का पासवर्ड उसे पता था और वो व्हाट्सएप चेक करता था, आपके फ़ोटोज़ चेक करता था, और आपको पता ही नहीं था कि भाई वो बंदा है कौन, या फिर वो काफ़ी बार आपका पैटर्न चेक करता था, डाल डाल के चेक करता था, या आपके फ़ोन की बटन दबा कर चेक करता था अगर नोटिफिकेशंस तो कुछ नहीं आए, तो उस बंदे की टोटली बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये एप्लीकेशन उसका पर्दाफाश कर देगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इसमें मैंने पूरी A to Z इसके पूरा स्टेप्स बताए हैं, साथ में इसकी सेटिंग्स बताई हैं किस तरीके से काम कर, फुल सेटअप वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और गाइस, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, उसके बाद यहाँ आपको सर्च करना है हु टच माई फ़ोन या फिर WTMP, और उसके बाद ये पहली एप्लीकेशन है, यही ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इंस्टॉलिंग पर लगा देता हूँ। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके रिव्यू दे रखा है, 4.7 की रेटिंग है, साथ ही में सिर्फ 5 MB का सॉफ्टवेयर है। आगे बात करूँ तो इसके 1 मिलियन प्लस यूज़र हैं, मतलब कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। और नीचे अबाउट इस एप्लीकेशन में देख लेते हैं ये एप्लीकेशन किस लिए काम आता है। ये एप्लीकेशन बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करेगा उन अनवांटेड पर्सन से जो आपके फ़ोन को टच करते हैं। जैसे आपके फ़ोन को वो पावर ऑन करके देखेंगे, या फिर आपके फ़ोन का अगर उनमें पैटर्न पता है वो अनलॉक करके आपको जो जिस भी एप्लीकेशन में वो जाएंगे वो एप्लीकेशन आपको दिखा देगा। साथ ही में अगर उनको पासवर्ड नहीं पता है और किसी बंदे ने आपके फ़ोन में छेड़खानी करने की कोशिश की आपके पासवर्ड के साथ, तो वो भी उसका भी आपको ये फ़ोटो खींच के दिखा देगा। तो बेसिकली आपका यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद मैं जल्दी से आपको उसका पूरा सेटअप करके मैं दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें। सो गाइज, एप्लीकेशन पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका फर्स्ट स्क्रीन आएगी इसकी। इसमें कुछ सिंपली सा इंटरफेस दे रखा है इन्होंने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ को नहीं बनाया है। यहाँ पर जो बटन है ये वाला, ये बटन आपका पावर का बटन है जिससे ये एप्लीकेशन इनेबल होगा। और साथ ही में यहाँ पर सेटिंग दे रखी है, तो पहले सेटिंग में जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिंग आपकी दे रखी है, तो जिसके अंदर जो मेन मेन सेटिंग्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली सेटिंग तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वाली जिसमें आपको पूछा गया है, सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं क्या चीज़ है यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन ऑन ऐप एंट्री। जब आप भी एप्लीकेशन ये वाली ओपन करेंगे तो उसमें ये कोई पासवर्ड मांगे या कुछ, जैसे आपका व्हाट्सएप में अभी नई न्यू फीचर आया है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लगाकर अनलॉक होता है सॉफ्टवेयर, उस तरीके से, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे लगाना बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोई पासवर्ड ऐसे ही रैंडम से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये कन्फर्म करेगा, देन ये पूरी तरीके से सोचेगा। अगर आपको फिंगर ऑथेंटिकेशन लगाना है तो फिंगर भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैं लगा देता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद नीचे दे रखा है लिमिट ऑफ रिपोर्ट्स। तो लिमिट ऑफ रिपोर्ट्स क्या है, इसके अंदर रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, जैसे जैसे जो बंदा भी आपको फ़ोन को टच करेगा या जो वॉट एवर जो भी वो करेगा, तो उसके एक रिपोर्ट तैयार होती है आपकी। तो उस रिपोर्ट की ये लिमिट दे रखी है 99 रिपोर्ट्स। इट मीन्स 99 रिपोर्ट्स के बाद जितनी रिपोर्ट्स आपकी एडिशनल होंगी उन रिपोर्ट्स को ये ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहेगा, जस्ट आपकी 99 रिपोर्ट्स ही कंप्लीट रहेंगी। तो इससे आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, यहाँ नो लिमिट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से नो लिमिट करके आप अनलिमिटेड कर सकते हैं इसे सिंपली। अब जो काम की सेटिंग है वो नीचे वाली सेटिंग्स दे रखी हैं, तीनों सेटिंगों को इनेबल कर देता हूँ। अगर आपको कोई किसी को भी डिसेबल करना है तो आप कर सकते हैं, मैं तो यहाँ तीनों को इनेबल कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों इनेबल मेरे हो चुके हैं। और यहाँ पर दे रखा है फेल अटैम्प्ट बिफोर फोटो। तो फेल अटैम्प्ट बिफोर फोटो का मतलब ये होता है कि आप वो कितने बार गलत अटैम्प्ट करेगा जिससे फ़ोटो खींचेगा। कहाँ 3 लगा दें या 2 लगा दें, तो मेरे वैसे बेटर 2 ही रहेगा, आप यहाँ 2 रिपोर्ट लगा दें। और यहाँ से आपको और कुछ नहीं है यहाँ पर, और नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ देखेंगे थीम का ऑप्शन है, यहाँ थीम आएगी आपके, यहाँ पर डार्क थीम और एक लाइट थीम है, तो जो भी आपका प्रेफर आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपसे रिस्टार्ट करने के लिए मांग रहा है, तो
देख सकते हैं यहाँ लाइट मोड उसका इनेबल हो चुका है। उसके बाद हम जल्दी से इसका फंक्शन देख लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ परमिशंस इसकी इनेबल करनी पड़ेगी सिस्टम की। उसके लिए हम यहाँ से इसे इनेबल करते हैं। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं इसे भी। उसके बाद फिंगर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ मांग रहा है परमिट यूसेज एसेस, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में WTMP को यहाँ पर आपको ऑन करना पड़ेगा। इसे अब ऑन हो चुका है, सिंपली बैक कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये पर्पल साइन हो गया है, इट मीन्स ये आपका इनेबल हो चुका है। और अब आप लॉक लगाकर जब भी फ़ोन को रखेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर आपको चेक करना है कि ये इनेबल है या डिसेबल है, तो उसके लिए आपको सिंपली जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ से आके आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है प्रोटेक्शन इनेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनेबल हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके इसे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसे बाहर को निकल जाता हूँ, और बाहर निकल कर मैं लॉक लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ लॉक लग चुका है फ़ोन का। अब मैं इसे लॉक को ओपन करता हूँ, जस्ट ओपन करता हूँ पावर बटन से, सिर्फ स्क्रीन ओपन की है और कुछ नहीं किया है। और मैं अब यहाँ से बंद कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, मैं फ़ोन को अनलॉक करूँगा, उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन में मैं जाऊँगा, जैसे मैसेजेस, MX प्लेयर और कैमरा, देख लेते हैं। तो ये मैंने पूरी तरीके से अनलॉक कर चुका हूँ फ़ोन को। उसके बाद मैं कैमरे में जाता हूँ सबसे पहले, मैसेजेस में आता हूँ, फ़ोन में जाता हूँ और ठीक इसे है। पिन कर देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं जिसके अंदर मुझे गलत पैटर्न डालने हैं, जिस उसके लिए मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ और यहाँ से पैटर्न गलत डालता हूँ। एक बार गलत डाल दिया, दो बार गलत डाल दिया, अब ये फ़ोटो ले लेगा मेरा इस चीज़ से ना, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको तीनों टेस्ट कर चुके हैं। अब इसकी टेस्ट की आपका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तीन रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं, और जिसकी डेट और टाइम भी आपका यहाँ मेंशन है। और यहाँ पर ये भी चीज़ दे रखी है कि यह पहला वाला अनलॉक का टाइम, दूसरा है डिवाइस अनलॉक्ड, और तीसरा है आपका डिवाइस नॉट अनलॉक्ड। तो हम एक एक रिपोर्ट करके देख लेते हैं जल्दी से। तो पहली रिपोर्ट मैं देखता हूँ, सबसे पहले लास्ट वाली जिसमें मैंने सिर्फ स्क्रीन ओपन की थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है यहाँ पर, और जिस फ़ोन से मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका फ़ोटो कैप्चर की है। मेरा फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, इट भी इस वजह से ये ऊपर से आ रहा है, वरना फ़ोन को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो बंदे का फेस जो होता है वो सामने की तरफ होता है, तो बंदे का फेस सामने की तरफ होता है तो बंदे का फ़ोटो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, गैलरी वगैरह में आप इसे ओपन करना चाहें गैलरी में आप ओपन कर सकते हैं, और जूम इन करके देख सकते हैं कि भाई किसने आपका फ़ोन को टच किया था। दूसरा, जब आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका था पूरा, उसके बाद कौन किस किस सॉफ्टवेयर में वो गया था वो चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आपका, आपके पूरी डिटेल आ चुकी है इसके अंदर। तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर गया था, उसके बाद आपके फ़ोन में गया था, उसके बाद मैसेजेस चेक किए थे, उसके बाद उसने मैसेजेस चेक किए, उसके बाद उसने सेटिंग चेक की, उसके बाद कैमरा चेक किया। ये सारी यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, उसकी डेट भी आ चुका है, टाइम भी आ चुकी है, सेकेंड तक आपके यहाँ शो हो रहे हैं। तीसरा, जिसमें मैंने अटैम्प्ट किया था बट ओपन नहीं हो पाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अनलॉक अटैम्प्ट, मैंने अटैम्प्ट किया बट यहाँ पर ओपन नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे पासवर्ड गलत पता था। तो अब यहाँ देख सकते हैं इसका भी फ़ोटो उसने ले लिया है। तो कुछ ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी ज़रूर है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा, मैंने कहा कि वीडियो इस पर बनानी चाहिए, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की। सो गाइस, कैसे लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाकर लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहती है। साथ ही में दोस्तों, आपको लगेगा ये किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो या एप्लीकेशन, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय बाय।